नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्लोगन और आप देख रहे हैं ब्लोगन के ब्लॉस्टर्स। तो दोस्तों, आपके सभी के सामने एक और नया शो मैं प्रस्तुत करता हूं। फर्स्ट एपिसोड है तो कृपया इस पे समर्थन बनाकर रखिएगा। ओके। तो दोस्तों, आपने YouTube पर खूब सारे साउथ फिल्म के फिजिक्स वाले रोस्टेड वीडियो देखे होंगे, जिनमें आपने देखा होगा किस प्रकार साउथ फिल्मों में फिजिक्स की टैक्टिक दी जाती है। तो ऐसा ही एक वीडियो हम लेके आए हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टर न केवल फिजिक्स की टट्टी ही करता है, बल्कि उसे सुगंधित पात से महक आता भी है और उसका अंबार लगा देता है पूरे के पूरे। मतलब किए जाता है एक के बाद यार हद है। लेकिन यार एक बात तो है, इंडिया के लोगों के दिमाग की दाग देनी पड़ती है, क्योंकि इनको अगर हम बादाम के बारे में भी बताएंगे तो वो सोचने लगेंगे कि भाई साहब ये बादाम की बात कर रहा है, ये बादाम की बात नहीं कर रहा। मैं कल मार्केट में गया, वहां पे मार्केट में मैंने भाई जी को कहा भाई साहब आधा किलो मेरे को बादाम दे दो। भाई साहब भी बोले कि भाई साहब अंदरी वाले दूं या सोफिया वाले। मैं गया भाई, अरे यार ओके सुन, एक बात सुन, मेरे को अभी एक वीडियो दिखा दे अंदरी वाला, वही कच्चा बादाम भाई पक्का। अच्छा ठीक है भाई, इस वीडियो के बाद लगा दियो, ये शूट कर लो, फिर लगा था अपन दोनों मिलके देखेंगे। तो भाई साहब फिल्म का यो सीन है कि कुछ कि विलन ने हीरो के माँ बाप और उसकी जीएफ को बंदी बना के रख लिया है और वह गोली शूट कर देता है। लेकिन यार यहाँ पर एक दुविधा है, हमारा हीरो है वो किसी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस गिन रहा होता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कितना इमोशनल और कितना भावुक कर देने वाला सीन चल रहा है यहाँ। लेकिन वहां कतई, मैं बताऊं कतई डायरेक्टर की अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं, यहाँ पर तुझे फिजिक्स वाली टट्टी करनी है और उसके महकते सुगंधित। तो भी मत बताना। वाह, कतई मतलब कतई जहर आवाज है इन मोहतरमा की। इन्हें तो कॉलर तक की आवाज पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। फोन पर अगर कॉलर बोले ना तो भाई जरूरत ही नहीं है इनको फोन की। क्यों बोलना, ये बस चिल्ला के बोलेगी और वॉइस जाएगी सेटेलाइट तक, सेटेलाइट से मारेगी यू टर्न और सीधा जाएगी वॉइस कॉलर के कानों तक। और भाई साहब वापस वो भी तो कैसे बोलेगा यार, यहाँ पे फिजिक्स अपना खराब हुआ है, क्योंकि मोहतरमा की आवाज है, अगले की हो ना हो। अरे भाई साहब मतलब कोई मेरे सामने बंदूक की गोली तान दे तो मेरी फटकर छलनी छलनी हो जाएगी और वो छलनी चाहे चांद से देखो फिर मेरा मुखड़ा देख लियो, इतनी बड़ी छलनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हीरो के बाप को पिंकी की याद आ जाती है और पिंकी की याद में तो बस गाना ही आता है, पिंकी पिंकी पोंकी। अबे मुकेश, एक यार सरदर्द की गोली तैयार रखना इस वीडियो के बाद, मेरे को सबसे पहले वो ही चाहिए। आपको क्या लगता है ये यहीं खत्म हो गए? नहीं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पंडित जी, क्या मेरा हार्ड डे क्या बता सकते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी पक्की है? बेटा तुम्हारे तो लावे फड़े हैं, ये समझ लो जब सूर्य के पास सब नक्षत्र चमचमाएंगे, जब बिजलियां खड़खड़ाएगी, प्रकृति विकराल खाल मुंह खोलेगी, तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। चलो गेम खेलते हैं, 20-21-30 कौन देगा किस। पहला मेरा नंबर।
अरे रुको भाई साहब, अरे रुको भाई साहब, समय क्या हुआ ये तो बता दो। अरे मुझे समय देखना नहीं आता। तो भाई साहब केवल सुए देख के बता दो। अरे भाई साहब तीनों सुए घड़ी के अंदर ही है। यही ना बात, आ गया वो, आ गया। अरे मुकेश वो आ गया। चल हट। अबे इनको क्या लगता है कि हमारे दिमाग की जगह बादाम रखे हैं, और ये बादाम चूसेंगे नहीं डायरेक्टर, ये बादाम कच्चा चबा देंगे। भाई साहब मैं ऐसे डायरेक्टर को कह दूं कि हमारे बादाम है ना वो अंजलि अरोड़ा वाले हैं, ऐसे ना खत्म होंगे ऐसे ना। ये सही है, कभी इनकी उंगली से ट्रेन उल्टी चली जाती है तो कभी इनके इशारों से गोली, और हमारे यहाँ डिंपल की उतरती नहीं चोली। भाई साहब आप सभी को छोड़िए, खैर एडवांस में हैप्पी होली। तो यार वीडियो पसंद आया हो तो फटाक से लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और कमेंट मारो, और अपने दोनों हाथों को उठाकर भाई मच्छर मारो, डेंगू कितना हो रहा है, गंदी मत सो सागरों सारे दिन, ची ची ची, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। अरे मुकेश मैं तेरे को कह रहा था यार, अंजलि वाला गाना चला दे यार, और वो नया वाला चलाना अभी आया है, कभी आर कभी।